हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट आटे के गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए ये मैंने 1 पाव आटा लिया है, आपको जितना बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बिल्कुल हल्का सा सेकना है। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में ही मैंने गैस ऑन कर दी है। तो अब इसमें हमें आटा डालना है और आटे को हमें बिल्कुल कम गैस पे ही सेकना है और बिल्कुल हल्का सा ही सेकना है ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए। आटा हमारा सिक चुका है, हमें इसका कच्चापन निकालना था, ज़्यादा नहीं भूंजना था आटे को। तो गैस बंद करते हैं, इसको हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। तो ये मैंने आटे को निकाल लिया, इसको थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि जो कि जल्दी ठंडा हो जाए। अगर आप मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप ये आटे के गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और अंदर भी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी जाएगी इस विधि से आप बनाएंगे तो। और इसको हमें ज़्यादा सेकना नहीं है, इसका जो कच्चापन होता है वही हमें निकालना है। और ये मैंने 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, आपको अगर डालना हो तो आप डाल भी सकते हैं। अगर ये डाल के बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने 1 कटोरी मिल्क लिया है, दूध लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और आटा का पेस्ट बना लेते हैं। रखना है थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए, तब तक हमारी चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने भगोनी ली है चाशनी बनाने के लिए, तो इसमें हमें 1 कटोरी पानी डालेंगे, पानी डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम शक्कर लिया है, तो शक्कर भी डालते हैं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है ताकि हमारी चाशनी अच्छे से बन सके। और बीच बीच में हमें इसको चेक भी कर लेना है। अब हमें आधी चम्मच घी लेना है, तो घी से मिक्स करना है। और गुलाब जामुन के लिए डो आप जितना सॉफ्ट रखोगे उतने ही गुलाब जामुन ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो डो हमारा तैयार हो चुका है, इसको रखते हैं और हम चाशनी को भी देख लेते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। तो चाशनी में हम इलायची के छिलके डाल देते हैं। गुलाब जामुन में डालने के लिए ये मैंने काजू लिए, ये बादाम लिए और ये मैंने पिस्ता लिए, ये मैंने किशमिश लिए। तो हम सभी को मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने इसमें इलायची पाउडर पीस के डाल रखा है, तो डो को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो इलायची पाउडर वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हो चुकी है, तो अब हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए उतनी साइज की लोई लेनी है। तो हमें गुलाब जामुन थोड़ा बड़ा साइज का बनाना है। तो इसके अंदर इस तरीके से थोड़ा गड्ढा करना है और जो मैंने काजू बादाम लिए थे इस तरीके से इसमें पैक करना है। उंगली की मदद से इसको इस तरीके से कर लेना है और अब इसको हमें अच्छे से बिल्कुल गोल शेप देना है, पैक कर लेना है। सभी गुलाब जामुन बन गए हैं, ये लास्ट वाला बचा है। तो सभी गुलाब जामुन बन चुके हैं, तो अब हम कढ़ाई लेंगे। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, गैस मैंने ऑन कर दी थी, तो कढ़ाई को मैंने तेल भी गरम कर लिया है। तो अब हमें डालना है और हमें ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, मीडियम ही रखना है तेल को।
अगर आप एक साथ में ज़्यादा तेल गरम कर देंगे तो नीचे से थोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं, तो इसीलिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो अब हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है तब तक ये नीचे वाले नहीं सीख सकें। तो ये मैंने पलट दिया है, तो देख सकते हैं जो नीचे मैंने डाला था स्टार्टिंग में वो थोड़ा तेल गर्म था, तो इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा सीख गए हैं। और अब इसको हमें मीडियम गैस पे ही सेकना है और चारों तरफ से ही सेकना है, गैस का फ्लेम कम रखना है। तो देख सकते हैं डालने के बाद में कितना बड़ा साइज हो चुका है इनका। तो इनको सेकने में हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे गुलाब जामुन। एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और इनका जो मैंने डाला था उससे भी ज़्यादा डबल साइज हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ाने देना है क्योंकि जो कलर है वो परफेक्टली कलर अच्छा आ जाए हमारे गुलाब जामुन का। तो देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा है और इसमें एक भी गुलाब जामुन नहीं फटा है, तो आप देख सकते हैं। और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है इसका। और मैंने इसको बिल्कुल धीमी गैस पे सेका है ताकि अंदर से भी हमारी कच्चे नहीं रहें। तो अब हमें चाशनी में डाल देना है। तो अब इसको हमें चाशनी में डाल देना है। तो मैंने इनको चाशनी में डाल दिया है। तो इसको इसमें मैंने थोड़ी सी केसर डाली थी और ये मैंने लिया है गुलाब जल। तो हम आज गुलाब जामुन के गुलाब जल डाल के बना रहे हैं, तो इसमें हम चाशनी में डालते हैं। हमें 8 से 10 बूंदें डालनी है, इसकी जो खुशबू होती है उससे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे हमारे गुलाब जामुन। और इनको 4 से 5 घंटे के लिए हमें चाशनी में रख देना है। तो गुलाब जामुन को मैंने 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तो देख सकते हैं कितना बड़ा इनका साइज हो चुका है और ये कितने फूल भी चुके हैं। तो आपको मैं एक कट करके भी दिखाती हूँ। तो एक कट करके दिखाएंगे, तो इसको हमें काटना है। तो देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से चाशनी जा चुकी है और कितना स्पंजी बने हैं देख सकते हैं। और ये हमारे आटे के गुलाब जामुन है। तो हमारे सिंपल तरीके से आटे के गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। तो ये हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। तो आपको ये गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।